परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सऊदी में रहते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं नेट बैंकिंग के लिए और अपना पैसा जो है इंटरनेशनल जो पैसा है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी अभी एक सऊदी में जो है एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है टेक्नो। तो टेक्नो क्या है उसको आप समझ लेते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे जो आप इसमें टेक्नो का जो है अकाउंट बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, इस वीडियो को देख करके आसानी से जो आप अपना टेक्नो का अकाउंट बना सकते हैं और अपना पैसा इंटरनेशनल या फिर लोकल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट है, इसमें आपको जो है बहुत कम चार्जेस है। अगर 500 से ऊपर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें आपको फ्री जो है फीस रहेगा। इसमें आसानी से जो आप लोकल या इंटरनेशनल पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी तरह का चार्जेस नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को देख कर आसानी से जो अपना अकाउंट इसको बना सकते हैं और इस वीडियो को देख करके अपना अकाउंट बना करके आसानी से उसे यूज़ भी कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कैसे हम लोग टेक्नो का अकाउंट बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। आपसे एक छोटी सी जो है मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टेक्नो जो है इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसे जो है मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको इसमें शो करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को जो है स्किप ना करें, कोई भी एक पॉइंट छूट गया तो आपका टेक्नो का अकाउंट नहीं बनेगा और उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये मैंने अपना प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे जो है सर्च बार में आपको लिख देना है टेक्नो, TIQMO, ऊपर देख सकते हैं आ गया, इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल होना चालू हो गया, अब हमें कुछ टाइम तक इसमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस में बताता हूँ कि कैसे हम लोग को इसको अकाउंट को ओपन करना है। तो ये देख सकते हैं ये अभी डाउनलोड हो रहा है और ये जो है हमारा डाउनलोड हो गया, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सबका ऑप्शन है, तो हम इंग्लिश पर क्लिक कर लेते हैं। ऊपर में देख सकते हैं स्किप का बटन है, इसे स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर यूजिंग, उसके बाद अलाउ का बटन है, उसके बाद यूजिंग विल यूजिंग दिस ऐप, इसको क्लिक कर लें। उसके बाद यस का बटन है, इसे यूज़ कर लें ताकि आपका जो लोकेशन है ये ऑन हो जाए। लोकेशन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग बैक हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, तो आपको सिंपली क्या करना है अपना मोबाइल नंबर ओपन कर लेना जो आपके अफसर से या फिर बैंक अकाउंट से लिंक हो, आपके कामे से लिंक हो। तो जो आपके कामे पे सिम इशू है उसी नंबर से यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल के यहाँ पर बना लें। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटिन्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है कि यहाँ पे आपको ज़ीरो नहीं लगाना है, ज़ीरो के बाद जितना नंबर होता है मोबाइल का वो लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो को यहाँ पर हटा लेता हूँ और जो बिना ज़ीरो के सारे नंबर को उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। चलिए इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऊपर में एक आमा नंबर है, एक आमा नंबर आप अपना फिल कर लें। यहाँ पे मैं अपना एक आमा नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। चलिए एक आमा नंबर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद नीचे में देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा, तो आप OTP को फिल कर लें यहाँ पर। और अगर आपको नहीं आता तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ का बटन, अलाउ भी कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ऑटोफिल का कोड है, इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ पर OTP आ गया। उसके बाद आपको चले जाना नेता नफात पे। नफात पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको नंबर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नफात का मेरा आ गया है नोटिफिकेशन, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस का ऑप्शन है, प्रोसेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो जो नंबर शो कर रहा था उस नंबर को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसका नफात का जो पासवर्ड है वो डाल के इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया, अब हमारा जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली फिर से चलना है अपने टेक्नो पे। यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। अब यहाँ पे इंटर योर न्यू पासकोड, यहाँ पे पासकोड बना ले 6 डिजिट का। मैं यहाँ पर अपना पासकोड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद जो है रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसमें फिर से वही सेम पासवर्ड जो आपने पहले डाला उसे यहाँ पर फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम हम लोग को वेट करना पड़ेगा टाइम तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है ओपन हो गया है। नीचे में नो थैंक्स है, इसे क्लिक कर लें और इस जो फिर से जो है सिंपली जो है बैक हो जाए, यहाँ पे एरो है बैक हो जाए।
अब नीचे में देख सकते हैं नो थैंक ऑप्शन है, इसे फिर से एक बार क्लिक कर लें। उसका देख सकते हैं ऊपर में जो है कंप्लीट जो है आप हमारा जो है योर कंप्लीट 50% प्रोफाइल कंप्लीट हुआ, अभी हमारा जो है 50% बैलेंस रहती है, यानी कि हमें इसमें जो है एड्रेस फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन है, कंप्लीट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेड डेट कंप्लीट का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है ऑप्शन आ गया है प्रोविंसी, प्रोविंसी पे क्लिक कर लें। उसका जो आपका एरिया है वो एरिया सिलेक्ट कर लें, हमारा मेरा रियाद है तो मैं रियाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी पे क्लिक कर लें, उसके बाद फिर सिटी पे आपका जो सिटी है वो क्लिक कर लें। उसके बाद एड्रेस में क्लिक करने के बाद जो आपका एड्रेस है अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लें, पूछने के बाद यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लें। तो मैं अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम उतना ऑप्शनल है, उतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिंपली जो है और जो एम्प्लॉय नेम है उसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। एम्प्लॉय सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद फिर प्रोफेशनल, प्रोफेशन पे क्लिक कर लें, मैं यहाँ पर अपना प्रोफेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं जो है अपना प्रोफेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेन सोर्स सैलरी है तो हमारा सैलरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मंथली जो है और मैं 5000 सिलेक्ट करके इसमें नो नो करके वेरीफाई आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ, आइडेंटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है पूरी तरीके से बन गया है, यहाँ पे हमारा शो कर दिया है। अगर आपका अकाउंट बन भी जाता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपका 8 घंटे या 10 घंटे बाद वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो, तो टेंशन नहीं लें, आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे इसे मैं क्लिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका आईबीएन नंबर और अकाउंट नंबर दोनों शो करेगा। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि ये जो अभी वेरीफाई पे किया हुआ है, ये 8-10 घंटे बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आईबीएन नंबर और अकाउंट नंबर दोनों शो कर देगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से जो है आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आईबीएन नंबर अकाउंट नंबर दोनों शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप अपना अकाउंट नंबर ओपन कर सकते हैं। बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैक करके आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये बैक कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। तो इस तरीके से जो आप अपना टिकमोबा अकाउंट बना करके आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं, और उसे यूज़ करके आसानी से जो है अपना इंटरनेशनल पैसा या फिर लोकल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आसानी से जो है अपना पैसा इसमें ट्रांसफ़र करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं। इसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं मिलेगा अगर 500 से ऊपर आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए